हेलो फ्रेंड्स, रसोगीज कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी इडली की रेसिपी। ये इडली बनी है ओट्स से। ओट्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हार्ट के लिए अच्छा होता है, वेट लूज करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। एक कप मैंने लिया ओट्स, आधा कप रवा, ये एकदम बारीक रवा नहीं है, मीडियम रवा है, मोटा रवा है, आधा कप दही, थोड़े से काजू, ऑप्शनल है काजू, थोड़ी उड़द की दाल 1 टीस्पून, कुछ सब्जियाँ ली है, कैप्सिकम लिया है मैंने, कैरेट को ग्रेट करके लिया, अदरक और हरी मिर्च। सब्जी आप अपनी पसंद से कोई सी भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम ओट्स को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब पैन गर्म हो जाएगा उसके बाद लो फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है, जो उसका स्मेल होती है वो निकल जाए, बस उतना ही करेंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ, आप ऑयल ऐड कर सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी आप पसंद करते हैं या जो खाते हैं। मैंने 2 टीस्पून यूज़ किया है, आप थोड़ा कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा सरसों के दाने, करी पत्ता और उड़द की दाल। जब उड़द की दाल का कलर चेंज हो जाए उसमें डालेंगे काजू। काजू को हल्का सा रोस्ट करेंगे और अब डालेंगे इसमें रवा। आप देख सकते हैं रवा किस तरह से है, एकदम बारीक रवा नहीं लिया है, मीडियम साइज का रवा है। इसे हम 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे, कलर चेंज नहीं करना है इसका हमें। देखिए ये रोस्ट हो चुका है, इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हमारे ओट्स ठंडे हो गए हैं, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा इसमें दाना रखना है। देखिए हमारा ओट्स पिस चुका है, एकदम पाउडर जैसा नहीं है ये। इसे एक हम बाउल में निकाल लेंगे। हमने 1 कप ओट्स लिया है तो आधा कप रवा है और आधा कप दही, ये इसका मेज़रमेंट है, एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट। इतने मेज़रमेंट में हमारे 20 से 22 इडलीज बन जाएंगी। और जो दही मैंने इसमें ऐड किया है ये ना तो बहुत खट्टा है ना ही बहुत मीठा है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है और एकदम फ्रेश दही भी नहीं लेना है इसके लिए। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, मैंने 1 कटोरी पानी ऐड किया है इसमें अभी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना पड़े। गर्म ओट्स ना मिलाएं इसमें, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। मिक्स होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सब्जियां जो हमने कट करके रखी थी। आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं या आपकी पसंद से इसमें ऑनियन या हरी मटर डाल सकते हैं। 15 मिनट इसे रख देंगे रेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है बैटर, थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी मैं इसमें। मैंने इसमें टोटल 1.5 कटोरी जिससे हमने दही लिया था वो 1.5 कटोरी पानी ऐड किया इसमें। इसे हम रख देंगे और अब इडली मोल्ड में हम ऑयल लगा लेंगे, नहीं ग्रीस कर लेंगे। हमारे इडली मोल्ड ग्रीस हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे इनो। मैं 1 टीस्पून इनो डाली हूँ, फ्रूट सॉल्ट। इनो डालने का एक फ़ायदा है कि उसके जो रिज़ल्ट हैं इंस्टेंट मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा बैटर एकदम लाइट हो गया है, प्लफी हो गया है। अगर आपके पास इनो नहीं अवेलेबल है तो आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून, और फिर बैटर को 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बीट कर लें। और इनो है तो बहुत अच्छी बात है, इंस्टेंट हमारी इडली बन जाएंगी। हमारा पानी भी बॉयल हो चुका है, इडली स्टीम होने के लिए रेडी है। हम मोल्ड को स्टीमर में रख देंगे और इसे कवर करके रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। हम अब इसे चेक करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं इडलीज को। इडलीज ऑलमोस्ट रेडी हैं, 1 मिनट और कवर करके रख देंगे हम। हाई फ्लेम पर ही हम इन्हें स्टीम करेंगे, अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी है इडली, आप जाली देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी पड़ी है।
हम इन इडली को सांभर के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, कोकोनट चटनी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही इंस्टेंट और इजी नाश्ता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। अगर आप सोचते हैं कि ओट्स खाने में टेस्टी नहीं होता या अच्छा नहीं लगता, आप इडली की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और क्विक रेसिपी है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्पॉन्जी भी बनी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें।